हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में आई हैं, तो उसका हम लोग जो नोटिफिकेशन है वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर लिए ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है SDSUV। जैसे आप SDSUV टाइप करेंगे तो आपको एक नया विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आप देख सकते हैं श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी। तो इस श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है उसे निकाला गया है। तो चलिए हम उस वैकेंसी को देख लेते हैं। तो आप पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sdsuv.ac.in पे क्लिक करिए और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा और उस विंडो में जो ऑफिशियल वेबसाइट है श्री देवी सुमन की वो ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो इस पे आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा रिक्रूटमेंट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन वो दे रखा है। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है 22/7/2020 यानी 22 जुलाई को निकला था। तो चलिए हम देख लेते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए, इसमें लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड ग्रुप सी पोस्ट इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस ऋषिकेश उत्तराखंड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो देखिए, इसमें जो जॉब्स हैं वो सब रेगुलर बेसिस पे हैं जो कि ऋषिकेश कैंपस में निकाली गई हैं। इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और इसमें देखिए ये मेंशन किया, लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है 30 सितंबर 2020। तो जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2020 है। तो इसमें आप और भी डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन या पब्लिसिटी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स में भी दी है, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, इसमें भी इन्होंने इसे पब्लिश किया है। तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। तो इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करिए। आप देखिए, स्क्रॉल डाउन करने पे आपको जितनी भी पोस्ट हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबकी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे, कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो पे मैट्रिक्स लेवल वो भी आपको दे रखा है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अब इसके हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं। तो देखिए, बॉटनी की 1 वैकेंसी है प्रोफेसर की जो कि अनरिजर्व है। वहीं अगर बात करें कि एसोसिएट प्रोफेसर की तो इसकी भी 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व है। वहीं अगर बात करें बॉटनी की तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी हैं और दोनों अनरिजर्व हैं। तो ऐसे करके आप जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो आप उस सब्जेक्ट की वैकेंसी भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, टोटल पोस्ट 11 है प्रोफेसर की, एसोसिएट की 11 है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वो 22 पोस्ट है। इसके साथ ही साथ असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी पोस्ट को यहाँ पे निकाला गया है। तो पोस्ट नेम असिस्टेंट लाइब्रेरियन और जो पोस्ट है वो 1 है। इसके बाद देखिए, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन भी देखने पड़ेंगे कि आप वेदर आप इन पोस्ट के एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो वो यहाँ से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। अब जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फी है वो 1000 रुपीज होगी, जो कि अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1000 रुपीज होगी। वहीं अगर आप किसी और कैटेगरी जैसे SC ST या EWS कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज देना होगा। और ये जो फी होगी, एप्लीकेशन फी, ये नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब आप इसको दोबारा आपको ये फी जो है वो रिटर्न नहीं की जाएगी। इसके साथ ही साथ और भी आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो अगर आप इस पे इंटरेस्टेड इन पोस्ट में तो आप इन पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन है फॉर्म है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे दे रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करने पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट, देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इसमें इस यूनिवर्सिटी में आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है जिसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स भरनी है। उसके साथ ही साथ आपको अगर आपने एमफिल किया तो एमफिल का भी टॉपिक भर सकते हैं, पीएचडी किया तो पीएचडी का भी टॉपिक भर सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपको है, या आपका जो पब्लिकेशन है रिसर्च पेपर, या आपने किसी बुक में चैप्टर पब्लिश किया तो वो सब भी आप भर सकते हैं, ताकि इससे आपका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा और आपका जो सिलेक्शन होना है वो चांसेस उसके बढ़ जाएंगे।
तो देखिए ये पूरा फॉर्म है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए पूरा स्क्रॉल डाउन करिए आप, यहाँ पे पूरा दे रखा है इन्होंने, पॉइंट्स भी मैक्सिमम पॉइंट्स भी दे रखे हैं। अगर आपने कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश किया है कोई रिफर्ड जर्नल में, तो वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 15 पॉइंट्स मिलेगा। ऐसे करके अगर नॉन रिफर्ड जर्नल में है तो आपको 10 पब्लिकेशन से तो 10 मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेगा। ऐसे करके आप जो है वो सब पूरा चेक कर सकते कि आपको कितना कितना पेपर्स आप अपना अटैच कर सकते, चाहे वो रिसर्च पेपर या बुक चैप्टर। इसके साथ ही अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हैंडल किया तो उसका भी सेपरेट पॉइंट दे रखा है। तो ऐसे करके आप जो है आप पूरा ये देख सकते हैं कि आपके पास जितने भी डिग्री हो या जितना भी जो आपके पास एक्सपीरियंस हो या आपके पास जितने रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर हो, तो आप उसके बेस पे आपका जो एपीआई इंडेक्स है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपने कोई ट्रेनिंग किया है, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किया, तो उसका भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जिसके इसमें एक चीज और देखिए, देयर मोर देन वन ऑथर रिसर्च पेपर द पॉइंट विल बी शेयर्ड एज फॉलोज, अप टू 3 पॉइंट ऑथर्स पॉइंट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। तो इसमें बोला है अगर आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं या बुक चैप्टर, तो अगर आपका टॉप 3 में आते हैं तो आपके जो पॉइंट्स हैं इट विल बी इक्वल मोर देन 3 ऑथर, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑथर एंड द करस्पॉन्डिंग ऑथर और मेंटर और टीचर वुड शेयर इक्वली 80% टोटल पॉइंट एंड द रिमेनिंग 20% विल बी शेयर्ड इक्वली। अगर 3 से ज्यादा ऑथर होते हैं अगर एक पेपर में, तो फर्स्ट 3 ऑथर जो होंगे उन्हें 80% वो पॉइंट शेयर करेंगे, वहीं जो रिमेनिंग ऑथर्स होंगे वो 20% जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने बोला है अगर आपका जो पेपर है रिसर्च पेपर अगर वो 1 और 2 इम्पैक्ट फैक्टर में, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका रिसर्च पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर 2 to 5 है तो आपको 15 पॉइंट। वहीं अगर आपने जो अपना पेपर वो किसी ऐसे जर्नल में पब्लिश किया जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 5 to 10 के बीच में, तो आपको 25 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं और पैरामीटर दे रखे हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, वो भी आप देख सकते हैं कि पार्टिकुलर जो आप जिसके जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपने एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये सब आप जो एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं, उसके बाद ही जो है आप ये फॉर्म को फिलअप करिए। तो ये मैं एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट बताई और कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी बताई, और मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी जो वैकेंसी है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और किस बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।